निवेदिता। 2014 से पहले तक यानी जब तक मोदी सरकार सत्ता में नहीं थी तब तक पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत को तंग किया हुआ था, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन किया, कभी आतंकी हमले करवाए। लेकिन जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर लगाम कसी हुई है। धीरे धीरे पाकिस्तान की लगाम को खींचते हुए अब पूरी तरह पाकिस्तान भारत के कब्जे में कुछ ऐसा आया है कि अब भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने पर पाकिस्तान तिलमिलाया तो बहुत लेकिन कुछ कर नहीं पाया, मजबूर है, भारत के साथ साथ अन्य देशों के दबाव में है। अब तो ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान चौतरफा घिर गया है, न पेट भर खाना खा पा रहा है क्योंकि मुल्क में महंगाई चरम पर है और ना ही अपने आतंकियों को ही ठीक से सक्रिय कर पा रहा है। हालांकि गीदड़ भभकियां खूब दे रहा है लेकिन हाथ तो बंधे हुए हैं ना। ऐसे में पाकिस्तान से शिक्षित डॉक्टर्स पर भी गाज गिर गई है, यानी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से डॉक्टर की डिग्री हासिल किए डॉक्टर्स को अमान्य घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के सदियों पुराने स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम एमएस और एमडी को अस्वीकार कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान से डिग्री प्राप्त डॉक्टरों को उच्चतम भुगतान की पात्रता सूची से हटा दिया है और उन्हें जल्द से जल्द सऊदी अरब छोड़कर जाने के आदेश दे दिए हैं। और अगर पाकिस्तान में शिक्षित डॉक्टर्स यूएई से वापस पाकिस्तान लौटने में आनाकानी करते हैं तो फिर उन्हें जबरन उनके देश लौटाए जाने जैसी खबरें भी सऊदी अरब से सामने आ रही हैं। वहीं भारत, मिस्र, सूडान और बांग्लादेश की डिग्रियों की वैधता प्रदान की है, यानी कि इन देशों के डिग्री धारक डॉक्टर अरब के देशों में अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। दरअसल सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि पाकिस्तान से एमएस और एमडी की डिग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया में संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभाव है जो महत्वपूर्ण पदों के लिए मेडिक्स को रखने के लिए अनिवार्य है। सऊदी सरकारों के पदचिन्हों पर चलते हुए कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने भी पाकिस्तान के डॉक्टरों की डिग्रियों को रद्द कर दिया है। बता दें कि साल 2016 में सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में इंटरव्यू के जरिए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी डॉक्टरों की सऊदी अरब में काम करने के लिए भर्ती की थी, लेकिन अब अचानक उनकी डिग्री को अमान्य घोषित कर दिया है जिससे पाकिस्तान से शिक्षित डॉक्टर्स को गहरा धक्का लगा है। हालांकि अब पाकिस्तान इस मामले में क्या कदम उठाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में शिक्षित डॉक्टर्स के खिलाफ की गई इस कार्रवाई का आप कितना समर्थन करते हैं, क्या इन डॉक्टर्स से अचानक इनकी रोजी रोटी छीन लेना सही है या गलत।